हमने किए थे फर्स्ट प्लेस वावल की, वहाँ पे मैंने बोले थे कि चार फर्स्ट प्लेस वावल है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड जब हुए थे उस एपिसोड में सिर्फ दो वावल हम सीखे थे और उसका व्यवहार हम सीखे हैं। आज हम वही चैप्टर की कंटिन्यू करेंगे और आज हम आखिर का जो दो वावल है वो सीखेंगे और उसके साथ उसका प्रयोग सीखेंगे और उसी प्रयोग के साथ आज कुछ सबको यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो चलिए सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। आज हम फर्स्ट प्लेस वावल जो सीखेंगे वो है लॉन्ग ओ की, कैसे हम वर्ड और शब्द बनाने में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो पहला वर्ड है वो है सॉ। सॉ जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वहाँ पे पहले आ रहा है सॉ पे पहले एस, उसके बाद फर्स्ट प्लेस वावल ओ। तो हमको पहले कॉन्सोनेंट का आउटलाइन करना है अबव द लाइन एस का, उसके बाद वावल जो आ रहा है ओ वावल लॉन्ग ओ, ऐसे सॉ। उसके बाद जो शब्द आ रहा है वो है बॉल, बॉट, टॉक, टॉल, चॉक, जॉ, लॉ। उसके बाद जो वावल आ रहा है फर्स्ट प्लेस वावल का वो है शॉर्ट ओ। शॉर्ट ओ हम देखेंगे कैसे यूज होते हैं शब्द बनाने में। पहला जो शब्द आ रहा है वो है टॉप। टॉप जब हम प्रोनाउंस करते हैं पहले हमको उच्चारण करने हैं टी, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है ओ, उसके बाद पी। तो हमें आउटलाइन करना है दो कॉन्सोनेंट का और ये है फर्स्ट प्लेस वावल। तो हम लिखेंगे अबव द लाइन पहले टी देन पी, और ये जो ओ वावल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप। उसके बाद आ रहा है ऑड, मतलब पहले आ रहा है हमारा फर्स्ट प्लेस वावल, उसके बाद डी कॉन्सोनेंट्स। तो हम डी कॉन्सोनेंट्स पहले लिख लेंगे, उसके बाद आउटलाइन पे हम वावल को प्लेस करेंगे। देन आ रहा है डॉल, डॉल, डॉग, ऑफ, शॉक, शॉप, गॉट, लॉन्ग, नोन। ये सब भावल के साथ हम दो फ्रेस सीखेंगे जो हम जब इंग्लिश स्टेनोग्राफी लिखेंगे वो बहुत बार हमको इस्तेमाल करने हैं। पहला जो हम फ्रेस यहाँ पे लिखा है हम देख रहे हैं वो है ऑन द। जब ऑन द हमने जब ऑन सीखे थे तो हमको लिखने थे ऑन लाइन के ऊपर, इस तरह से हम लिखे थे ऑन को। लेकिन हम जब फ्रेस पे ऑन द एक साथ लिखेंगे तब वही प्लेस पे हम लिखेंगे, लेकिन हम जो आउटलाइन लिखेंगे वो स्लाइटली स्लैंटेड होगा, मतलब थोड़ा सा हिल के हमको लिखना है ऐसे ऑन द, ऑन द। और बट द, बट हम जब लिखे थे सिर्फ जब हम बट लिख रहे थे तो लाइन के ऊपर इस तरह से हम बट लिख रहे थे, लेकिन जब बट द एक साथ लिखेंगे तो ये भी थोड़ा सा हिल के बट द हमको लिखना है।
दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग हमारी चैनल से स्टेनोग्राफी सीख पा रहे हो। अगर आप लोग मेरी स्टेनोग्राफी चैनल से कुछ भी लाभ उठा पा रहे हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक कीजिए। वहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कुछ जानना है या फिर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे आपके सवाल का जवाब दे देंगे। पर अगर आपको लगे मेरी वीडियो के कोई और भी देखकर उपकृत हो सकते हैं तो मेरी वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले जो वीडियो है उसकी अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।